जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ इंज़मामुल हक है, ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है और इनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि वो आएं और जो कैब का क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है आज, इसका जो सेकंड डे है, इनसे हम जो पिच है इसकी रिपोर्ट लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये पिच कैसी बनी हुई है और ये इसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई है और बॉलर को एज मिलेगा या पहले बैटर को एज मिलेगा। जी इंज़माम जी, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपका। जी मैं वैसे पिच को जो फिज़िकली देख रहा हूँ, फिर पिच में ये है कि पिच जो है स्मूद है, मतलब कुलमकुल्ला भी है, दूसरा जो है ना हार्ड है, तो इसमें बैटिंग वालों को जो है ना बड़ी मिलेगी, बैटिंग इसमें बड़ी ज़बरदस्त होगी। दूसरा तेज़ बॉलरों के लिए भी सूटेबल है, क्योंकि बहुत जगह पे मैं देख रहा हूँ कि पिच जो है ना क्रेक्स बने हुए हैं, ये देखिए क्रेक्स है, ये इस पर बॉल पड़ेगा ना तो ये बॉल जो है ना तेज़ निकलेगा, बॉल मूव भी होना है इसमें। दूसरा इसमें ये वाली जो जगह है ना जहाँ ग्रास है, ग्रास इसमें बहुत तेज़ बॉल जाएगा, ये वाली जो जगह है ना, ये वाली ये देखो बड़ा सख्त है, बहुत सख्त है। इसमें जो है ना बॉल जो टेप बॉल है, मैं टेप बॉल की बात कर रहा हूँ, अगर हार्ड बॉल होती तो हार्ड बॉल के लिए पिच सूटेबल नहीं है, क्योंकि बारिश हुई है और टेप बॉल के लिए ये सूटेबल है, हार्ड बॉल के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि अभी भी जो है ना उतना सख्त नहीं है। हार्ड बॉल इस पर पड़ेगा तो बॉल रुक के आएगा, जो टेप बॉल है ना वो थोड़ा सा बाउंसी होता है, तो इस पर टेप बॉल निकलेगा और बल्ले पे बॉल ज़बरदस्त आएगा। और बाउंड्रियों के हिसाब से मैं बता दूँ, जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री जो है ना उसकी चोटी है तो बैट्समैनों के लिए बहुत सूटेबल है, बहुत ज़्यादा सूटेबल है। जी जी, ये इंज़मामुल हक थे, इनको हमने स्पेशली इनवाइट किया हुआ था और एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है और ये एक पेसर है और हमने अपने चैनल पे अक्सर इनकी वीडियोस भी लगाई हुई हैं। अगर आप इंज़मामुल हक की बॉलिंग देखना चाह रहे हैं तो आप हमारा जो चैनल है इसको विज़िट करें। थैंक यू सो मच इंज़माम भाई, थैंक यू। मुजफ्फर साहब फ्रॉम स्टाइलो एंड अकबर बट फ्रॉम हश पपीज, टॉस है जी, कर रहे हैं हेड और टेल, ठीक है चले जी, आपकी कॉल हो जी, टेल इज कॉल, टेल है, विन द टॉस, बैटिंग करें हर्ष पपीज जो है, इनकी टीम मीटिंग हो रही है, आप इधर आ जाना, चलो इधर पिक्चर ले लेते टीम की, ग्राउंड की, चलो जी, चलो सारे कटे हो गए, आ जाएगी पिक्चर, सारे चलते हैं साथ में, ये नेक्स्ट हमारा क्रॉसिस के साथ है, ठीक है इंशाल्लाह, और हम जीतेंगे, क्रॉसिस जीतेगा, सुने ना भट्ट साहब। आप टोरंटो का पहला मैच है स्टाइलो वर्सेस हश पपीज और उस्मान जो है ये स्टाइलो की तरफ से ओपनर हैं और दूसरे एंड के ऊपर फरहान है। हश पपीज की तरफ से वसीम बॉलिंग करेंगे, फर्स्ट बॉल और टच हुए, फाइन लेग पे खेले और चार रन, पहले स्टाइलो ने पहला मैच विन किया था रॉयल टैग से, उस्मान ने अच्छी बैटिंग की थी, एक ओवर में इन्होंने 5 sixes लगाए थे और आज एक दफ़ा फिर आए और सेम पॉइंट पे खेल दिए और एक ही रन बन सकेगा, अच्छी फील्डिंग, वसी आए रन को और ये रन आउट होने का चांस, लेकिन फील्डर दूर थे, अच्छी बॉल, अच्छा थ्रो, जी वन टू वसी और चार रन, मिड विकेट के जो फील्डर हैं वो गेंद फील्ड नहीं कर सके, अच्छा
अच्छी बॉलिंग हर्ष पपीस के फर्स्ट बॉलर की वसी की। इस जोड़ी ने रॉयल टैग के खिलाफ काफ़ी धुआंधार बैटिंग की थी और देखें कि आज ये क्या करते हैं। अच्छी बॉल, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए भागे और ये मिस हिट और रन आउट होने का खतरा, लेकिन बच गए। पहले एक ओवर के अख्ताम पर 13 स्कोर बन चुका है स्टाइलो का। दूसरे ओवर का आगाज, यह रोज जो है ये हर्ष पपीस की तरफ से दूसरा ओवर कर रहे हैं। ओ जबरदस्त बॉल, यॉर्कर ग्रेट बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग का नजारा हर्ष पपीस की तरफ से। बसमान की बैटर हैं स्टाइलो के, अगर इन्हें ये रिटेन कर लेते हैं तो एक अच्छा ये इनके लिए मौका होगा जीतने का हर्ष पपीस के लिए। ऊंची शॉट 6 रन के लिए, मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया उस्मान, अपनी परफॉर्मेंस में वापस आते हुए काफ़ी जारहाना खेलते हैं। ये वो बैटर हैं जो कि एक ओवर में 6 छक्के भी लगा सकते हैं। मेहरोज का पहला बॉल यॉर्कर था, बीट हुए उस्मान, दूसरे पर उन्होंने 6 रन के लिए खेल दिया, तीसरे बॉल के लिए आए और ये फिर 6 रन के लिए खेल दिया उस्मान, अपनी परफॉर्म में वापस आते हुए। चौथी बॉल करेंगे अपने ओवर की मेहरोज, 2 छक्के खा चुके हैं अब तक और ये तीसरा फील्डर बॉल के नीचे आ रहा है, कच्चा कैच और एक इंतहाई विकेट मिले और हर्ष पपीस को, जबरदस्त बॉलिंग, ग्रेट कमबैक। ये काफी बड़ा नुकसान स्टाइलो के लिए, खावर आए उस्मान की जगह पे बैटिंग के लिए। मेहरोज खावर पहली बॉल पे 6 रन के लिए खेल दिया, ग्रेट 6। स्टाइलो की बैटिंग लाइन जो है ये काफ़ी अच्छी है और टेल एंड तक जो है इनके पास बैटर हैं। शानदार आगाज किया खावर ने, दूसरी बॉल 1 रन के लिए खेले फाइन लेग पे, 1 ही रन पे इक्तफा किया। बॉलिंग के लिए कैप्टन है, पहली बॉल बॉडी पर टच हुई, अच्छी बॉलिंग था, इस समझदारी से बॉलिंग करते हैं। इससे पहले जो मैच था हर्ष पपीस का उसमें भी इन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और अगेन बीट हुए, अमेजिंग बॉलिंग बाय अकबर बट, द कैप्टन ऑफ हर्ष पपीस। ओह ग्रेट पिक एंड ह्यूज 6, अकबर बट टू खावर, फुल टॉस, अच्छा पिक किया, भरपूर फायदा उठाया, 6 रन के लिए खेल दिया स्ट्रेट पे, खावर का एक बड़ा छक्का। ओ गुड बॉलिंग, गुड कमबैक, काफी तेज डिलीवरी थी, अच्छी स्पीड निकाली अकबर बट ने। बॉलिंग में काफी ज्यादा वेरिएशन लेके आ रहे हैं, बड़े शॉर्ट रन के साथ ये बॉलिंग करते हैं। बीट हुए, जबरदस्त बॉलिंग, अच्छा ओवर। 3 ओवर के अख्ताम पे 44 रन है, 44 रन एट द एंड ऑफ थर्ड ओवर। नवीद आए हैं चौथा ओवर करने और भरपूर वेलकम किया मिड ऑन के ऊपर 6 रन के लिए।
नवीद टू फरहान कैच सोहेब आए हैं जी नए बैटर नवीद का सामना करेंगे आए और वाइड बॉल सोहेब ने पहले मैच में भी अच्छी बैटिंग की थी रॉयल टैक के अगेंस्ट लूज बॉल थी और भरपूर फायदा उठाया और 6 रन के लिए खेल दिया काफ़ी बड़ा छक्का 2 छक्के पड़ चुके हैं नवीद को फुल फील्ड किया नवीद ने अच्छी बॉल थी अच्छी फील्डिंग फील्डिंग रही है नवीद टू सोहेब और 4 रन के लिए अच्छी शॉट थी अच्छी बॉल 1 रन मुकम्मल किया 2 रन की कोशिश लेकिन अच्छी फील्डिंग 62 एट द एंड ऑफ 4th ओवर वसी जो है वो अपना 2रा ओवर कर रहे हैं और ओवरऑल ये 5वां ओवर है वाइड बॉल और लॉन्ग 1 रन मुकम्मल हुआ जी लॉन्ग स्टॉप पे खेले थे फरहान खबर जो है ये वसी का सामना करेंगे लेट हुए के लिए खेल दिया खावर ने वेल पिक वसी टू खावर वंस अगेन एंड बॉल कर दिया जबरदस्त बॉलिंग ये काफी बड़ा नुकसान स्टाइलों के लिए जमशेद आए हैं बैटिंग के लिए अच्छा बॉल 1 रन मुकम्मल किया जमशेद ने फरहान अच्छी फॉर्म में है इनके लिए एक अच्छा मौका है अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये 5वें ओवर में कुछ बेहतर स्कोर जो है वो कर सकें वसी ने अच्छी बॉलिंग की है कैच ड्रॉप हुआ कीपर के लिए अपॉर्चुनिटी थी लेकिन कैच ड्रॉप नो बॉल का सिग्नल है अंपायर की तरफ से और साथ ही फ्री हिट 73 स्कोर सो फार फ्री हिट है ये लेकिन इसको कैच नहीं कर सके 1 रन मुकम्मल किया 2 रन के लिए भागे रन आउट होने का खतरा लेकिन ये रन मुकम्मल किया हसन आए हैं आखिरी ओवर करने के लिए 75 रन्स एट द एंड ऑफ 5th ओवर फर्स्ट बॉल ऑफ द 6th ओवर वाइड बॉल ग्रेट पिक ह्यूज 6 वाइड बॉल देन 6 सेकेंड बॉल ऑफ द ओवर चांस ऑफ There's a chance of run out, but missed. Great six, great batting. फरहान ने काफ़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है इस मैच में भी और रॉयल टैक के अगेंस्ट भी
सेकेंड राउंड का फर्स्ट मैच फुल टॉस दूसरे रन के लिए भागे रन आउट होने का खतरा और मिस कर दिया अच्छी अपॉर्चुनिटी थी स्ट्राइक फरहान ने अपने पास रिटेन की ओ ग्रेट सिक्स ग्रेट सिक्स एक बड़े डिफरेंट स्ट्राइक से इन्होंने सिक्स जो है वो हासिल किया बहुत कम लोग जो हैं वो ऐसे ही शॉट खेल सकते हैं और कैच और इसी के से फरहान जो है वो कैच हुए लेकिन उन्होंने जो नुकसान करना था वो नुकसान कर दिया अपोनेंट बॉलिंग का 97 टू विन यार ये जरा वेव करते जाएं यार आप लाते जाएं यार वेव करते जाएं यार वेव 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 करते जाएं यार अपनी अपनी वीडियो कॉल वाली थी ना उसी पे चले बहुत ओपनर्स और उनक्रीज रिजवान और नवीद जो है ये ओपनर हैं और फिजान सीनियर जो है ये बॉलर है स्टाइलो की टीम में दो फिजान हैं एक फिजान सीनियर है एक फिजान जूनियर है हर्ष पपीस की इनिंग्स की फर्स्ट बॉल अच्छी बॉल बीट हुए रिजान का अच्छा बॉल आउट स्विंग हुआ गुड लेंथ के पर बॉल था स्टाइलो वर्सेस सच पपीस ये दोनों शूज के ब्रांड्स हैं गुड लेंथ पे बॉल एक रन के लिए खेल दिया अच्छी बॉलिंग फिजान सीनियर की तरफ से सामना करेंगे फिजान सीनियर का नवीद फिजान आए अंपायर को क्रॉस किया अच्छी बॉल एक रन के लिए मिड विकेट पे खेले और एक ही रन हासिल कर सके और फिर लंबे रनर से बात बॉलिंग करते हैं अच्छी बॉल बीट हुए जबरदस्त बॉलिंग बाय फिजान सीनियर बैटर के लिए कोई मौका नहीं फिजान टू रिजवान और छह रन के लिए खेल दिया ब्यूटीफुल सिक्स काफी बड़ा छक्का अच्छी शॉट फिजान की काफी तेज बॉल आती है और जिसको थोड़ा प्ले किया और स्ट्रेट बैट के साथ और एक अच्छा सिक्स मिला हर्ष पपीस के लिए गुड कीपिंग एट रन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ओवर फिजान जूनियर आए हैं बॉल करने के लिए फिजान बैक टू बैक फिजान भी सामना करेंगे अच्छी बॉल गुड लेंथ के पर बॉल अच्छा बॉल और नवीद बिल्कुल भी इसको जो है समझ ना सके वन डॉट बॉल
वाइट बॉल की कॉल अंपायर की। नहीं यार, गुड सिक्स ऑन फाइन लेग। नवीद का फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए इंतहाई दिलकश छक्का। फिजा जूनियर टू नवीद। इससे पहले नवीद ने एक छक्का लगाया है और ये भी अच्छी शॉट। इजाफा फील्डर है, एक रन ही बन सकता था, एक रन बना। स्ट्राइक रोटेट हुई। रिजवान जो है अब ये फेस करेंगे फिजान जूनियर को। आए बीट हुए, अच्छी बॉलिंग, गुड कमबैक बाय फिजान जूनियर। फिजान जूनियर वंस अगेन टू रिजवान। अनदर डॉट बॉल, गुड बॉलिंग। Chance of run out. रिजवान जो है उन्होंने बैटर को रिप्लेस किया अपने साथ। 17 रन एट द एंड ऑफ सेकेंड ओवर। गुड बॉल। रन आउट की अपील कर रहे थे। फ्री हिट की कॉल। जल्दी बैठे, मैं जा रहा हूँ सिर्फ बॉल का। चांस ऑफ कैच, एवेंचुअली नवीद हैज डिपार्चर। जैसे मैं अजी ने बैटर, उस्मान इनको बॉलिंग करेंगे। उस्मान टू जैसेम, वाइट बॉल। वाइट बॉल, वाइट बॉल, गुड कीपिंग, फ्रेम वाइड। अच्छी बॉलिंग, जस्ट वन रन। 3 ओवर में 21 रन है और आने वाले जो 3 ओवर हैं इसमें इनको काफ़ी ज़्यादा स्कोर चाहिए जीतने के लिए। 97 टू विन है। अगर ये 25 की एवरेज से खेलेंगे तो ये विन कर सकते हैं। 3 ओवर में अगर 4 छक्के लगे तो, जो कि मुश्किल लग रहा है। फिजान ने खुद बॉल को जो है वो फील्ड किया। 22 रन्स आफ्टर 3.1 ओवर। स्लो बॉल, अच्छी बॉल, गुड बॉलिंग। कैच हो गए, गुड बॉलिंग बाय फिजान। नए आने वाले बैटर हैं फहद। फिजान जूनियर टू फहद। गुड बॉल, वन रन ऑन मिड विकेट।
लास्ट बॉल ऑफ फोर्थ ओवर। ये बैट्समैन का नाम बताना है। शॉट फॉर वन। हर्ष पपीस का 25 स्कोर है एट द एंड ऑफ फोर्थ ओवर। 12 बॉल्स टू गो। उमर है बॉलर। गुड बॉलिंग सर। वाइड बॉल। बॉल हो गए। अगर ऑस्ट्रेलिया जीती है तो ये पहली टीम होगी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। और गुड बॉल बाय उमर। फोर रन। बॉल कर दिया। बॉल कर दिया। जबरदस्त बॉलिंग बाय उमर। नो बॉल। फ्री हिट। कैच होने का खतरा। एक रन बना दूसरे रन के लिए भागे। रन आउट भी हो सकते हैं। मोइन वंस अगेन देयर इज अ चांस ऑफ कैच। रेफर इज फील्डर। कैच ड्रॉप। प्लेड ऑन अ पॉइंट फॉर वन रन। जस्ट वन रन। क्लोजिंग मोमेंट। स्टाइलो जो है ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। एक दो बॉल सभी बाकी हैं। सिक्स के लिए खेल दिया बट इट्स टू लेट। जी मतलब कैसा रहा मैच? Great bowling. Inshallah, we will win the final as well. Chale, good luck.